यह एक वास्तविक कहानी है जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी है और प्रेरणादायक है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, पर एक व्यक्ति था जो बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा और उनका अपमान करने की कोशिश की। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे और कुछ भी नहीं कहा। वह व्यक्ति और भी गुस्से में आ गया और भी अपशब्द कहने लगा। तब भी बुद्ध ने उसकी ओर शांतिपूर्वक देखा और मुस्कराए। ये देखकर उस व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बुद्ध से पूछा, तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भाई, यदि तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति कुछ सोचने लगा और उत्तर दिया, वह उपहार मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे जो भी अपशब्द कह रहे हो, अगर मैं उन्हें स्वीकार न करूं तो वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। ये सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध की महानता और धैर्य से प्रभावित हुआ और उनके चरणों में गिर गया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनकी शरण में आ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रखें तो किसी भी परिस्थिति में हम अपनी शांति और धैर्य को बनाए रख सकते हैं। दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित न होकर हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए।